मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू को लेकर एक विशेष बैठक ली। इस बैठक में अधिकारियों द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि इंदौर और नीमच जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। दोनों जिलों में सैंपल लेने के बाद दुकानों को सील किया गया है। जिले में चिन्हित स्थान से 1 किलोमीटर के दायरे में सभी चिकन मटन दुकानों को तत्काल रूप से बंद कराया गया, साथ ही 10 किलोमीटर की परिधि में सर्विलांस किया जा रहा है। वहीं उज्जैन शहर में भी बर्ड फ्लू की आहट से सनसनी फैलते दिखाई दी है। इसी को लेकर उज्जैन जिला प्रशासन ने सावधानी बरतने की बात कहते हुए आमजन को जागरूक रहने की हिदायत दी है। जो नया एक संक्रमण इन्फेक्शन जो पक्षियों में आया है, उसमें मुख्य रूप से कौवे और कबूतर जो कई बार पेड़ों पर रहते हैं, उसमें शहरी क्षेत्रों में भी कुछ जगह पर और इसके अलावा कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भी कौवे कबूतर मृत पाए गए हैं। इसको लेकर एहतियातन आज नगर निगम और पुलिस के द्वारा ऐसी जो मतलब दुकानों को बंद कराया जहां कई बार इस प्रकार के मांस का विक्रय होता है, तो एहतियातन इस प्रकार की दुकानों को भी और सभी को इसमें जन जागरूकता अभियान भी चलाया गया है। इस प्रकार के जो पक्षी हैं इन पर भी विशेष ध्यान रखा जाए। कार्रवाई की है शासन के जो आदेश आए हैं बर्ड फ्लू के संबंध में बंद करने के, बर्ड फ्लू संबंध में आज हमारा आयुक्त महोदय के आदेश हुए। उस क्रम में आज हम जितने भी मुर्गे उनकी दुकान है उनकी दुकान बंद करने का आदेश किए हैं। उस क्रम में आज हमने भगतपुरा की मीट की दुकानें या दुकानें बंद। किसी प्रकार की कार्रवाई वगैरह भी की है क्या आज? आज अभी समझाइश दी है जब तक वो बीमारी चले जब तक आपको बंद। JSR टाइम्स के लिए उज्जैन से कार्तिक गाडेकर की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।